हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के टाइम में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो देख रहे हैं कौन सा ऑल्ट कॉइन उनको परचेज करना चाहिए, कौन सा ऑल्ट कॉइन में अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो किसका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारी डिबेट्स हैं इसके बारे में। कई लोग ये भी बोलते हैं कि अराउंड 90% ऑफ द क्रिप्टो जो मार्केट में हैं अभी वो वैनिश हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। क्या सारी चीज़ें हैं इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक और डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि कोई भी आदमी आके आपके कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके ये बोले कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो उनसे बच के रहना, वो सारे के सारे स्कैमर्स हैं। किसी भी सोशल मीडिया से कभी भी हम आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। किसी को भी आपने अपने क्रिप्टो सेंड नहीं करने। किसी को अगर आपने अपने क्रिप्टो सेंड करे तो ये समझ लीजिए वो क्रिप्टो आपके हाथ से चले गए हैं, वो कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। आज के टाइम में जहाँ पे इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज है, इतने सारे ऑल्ट कॉइन्स अवेलेबल है इन दी मार्केट, कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है वो कंफ्यूज रहता है कि कौन सा ऑल्ट कॉइन उन्होंने परचेज करना चाहिए, कौन सा ऑल्ट कॉइन उन्होंने परचेज नहीं करना चाहिए। ऑप्शन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होती है। एंड जैसे कि हमने स्टेटमेंट आपको बताया था, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि अराउंड 90% ऑफ द क्रिप्टो, 90% ऑफ द ऑल्ट कॉइन जो है वो वैनिश हो जाएंगे मार्केट से। अगर मैं इसको बताऊं तो 90% तो नहीं, बट यस, कुछ ना कुछ क्रिप्टोज हैं जो मार्केट से वैनिश हो जाएंगे। कुछ ना कुछ क्रिप्टोज ऐसी हैं जिनका शायद लूना जैसा हाल हो जाएगा। बट क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, हर कोई आज की डेट में अपनी नई क्रिप्टो बना लेता है। क्रिप्टो करेंसी बनाना कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। बहुत सस्ते में जो है क्रिप्टो करेंसी एक बन के तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है इन दी मार्केट। आज की डेट में ये बोलना कि कौन सा क्रिप्टो सही है, कौन सा क्रिप्टो गलत है, जो स्पेशली जो नए क्रिप्टो आए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप लोगों से भी तभी हम बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेट ऑन टॉप 300 या टॉप 200 क्रिप्टो करेंसीज, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी बेटर होगा। जो नए क्रिप्टो करेंसी आते हैं ऑब्वियसली वो ज़्यादा लुक्रेटिव लगते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें उसमें नज़र आती है, ऐसा लगता है कि बस इनका प्राइस इंक्रीज होने वाला। बट कुछ टाइम के बाद उनका हाल अगर लूना की तरह हो जाए तो कहीं ना कहीं वो हम सबके इन्वेस्टमेंट जो है वो बर्बाद हो जाएगी। आप लोग जिस भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, मेरा सजेशन आपको यही है कि अपनी रिसर्च करे बिना किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट मत करिएगा। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च होनी ज़रूरी है। ब्लाइंडली ट्रस्ट करके कोई भी क्रिप्टो मत परचेज करिएगा, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं। इसी के साथ साथ हमने आपको यह भी बताया था, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इन क्रिप्टो करेंसी वो होनी चाहिए डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड मतलब किसी एक कैटेगरी ऑफ द क्रिप्टो आपके पास नहीं होनी चाहिए, आपके पास मल्टीपल कैटेगरी ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज आपके पास होनी चाहिए। हमने भी मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज परचेज कर रखी है। कुछ आपको बताते हैं कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज हमने ऑलरेडी परचेज करके रख रखी है एंड क्यों करके रख रखी है, कब तक हम उसको निकालने की सोच रहे हैं, एंड क्या चीज़ें हैं जो क्रिप्टो करेंसी में जो हमने परचेज कर रखी है उनमें क्या क्या चल रहा है, वो भी आपको थोड़ा बहुत आज बताएंगे। तो साइड में हमने ओपन कर दिया है CoinGecko ऐप। जैसा कि हमने कल बोला था कि हो सकता है कल तक मार्केट शायद रेड दिखे, आज मार्केट डाउन है 5.1%, BTC इज डाउन 5.4%, ETH इज डाउन 6.2%, एंड उसी तरीके से मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी का सेम हाल चल रहा है मार्केट में। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है जो अगेन नेगेटिव में आ गई। कल काफ़ी लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि जो ये ग्रीन कैंडल बना है आफ्टर 9 वीक्स, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव टर्न ले सकता है फॉर क्रिप्टो करेंसीज, बट वैसा नहीं हुआ। इसीलिए हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, देखते रहना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट क्या कर रही है, क्या रिएक्शंस आ रही है। एंड उसी के साथ आपको बताया था कि जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स है मार्केट में वो अभी तक पूरी तरीके से नहीं गए, स्पेशली आफ्टर व्हाट हैपेंड विद लूना। इसीलिए हम आपको हमेशा बोलते हैं, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने खाली लूना में इन्वेस्ट कर रखा, इसीलिए आपको हमेशा बोलते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाई करो। गॉड फॉरबिड अगर कल किसी क्रिप्टो के साथ ऐसा हो जाए कि उसका प्राइस जीरो हो जाए, तो एटलीस्ट आपके पास बची हुई इन्वेस्टमेंट है इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट। एंड मैं तो ये बोलूंगा कि आपने उतना ही पैसा लगाना चाहिए इन क्रिप्टो मार्केट जितना कि अगर वो जीरो हो जाए तो लाइफ में कोई भी चेंज ना हो। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे क्रिप्टोज की, कुछ ऐसे टोकन्स की जिसमें हमने भी इन्वेस्ट कर रखा है, एंड हम लोग बताते हैं उसके बारे में काफी ज्यादा। द फर्स्ट क्रिप्टो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कार्डानो एडी। कार्डानो एडी का करंट प्राइस इज 45.52 रुपीज़, एंड ये चल रहा है 5.9% डाउन इन द लास्ट 24 आवर्स। अगर आप ईयर टू डेट देखो तो 62.9% ये नेगेटिव चल रहा है, एंड इसका अगर आप ऑल टाइम हाई देखो तो 225 रुपीज का ये चल रहा था, एंड उसी के साथ साथ इसका ऑल टाइम लो जो था वो था 1.38 रुपीज़। अगर आप एक्सचेंजेस देखोगे कार्डानो एडी के, ऑलमोस्ट सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस में आज की डेट में अवेलेबल है, इन्फो सेक्शन में जाके आप पढ़ सकते हो। कार्डानो के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक्सेप्ट फॉर चार्ल्स हॉस्किंसन। ऑब्वियसली मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि चार्ल्स हॉस्किंसन है, तो इसीलिए वी ट्रस्ट कार्डानो एडी सो मच, बिकॉज वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कार्डानो एडी का जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया था, एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, काफ़ी लोग उसके बारे में बात भी कर रहे थे। काफ़ी लोगों ने देखा था जब उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ तो कितना इसका प्राइस इंक्रीज हुआ था, एंड दैट वाज द टाइम जब ये अपने ऑल टाइम हाई में गया था। वहाँ से लेके अभी तक ये खाली नीचे की तरफ आ रहा है।
अब कार्डानो में एक बहुत अच्छी चीज है कि कार्डानो का जो इकोसिस्टम है उसमें काफी क्रिप्टोस, काफी टोकन जो है आ चुके हैं। आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो कुछ कुछ ऐसे क्रिप्टोज हैं, कुछ कुछ ऐसे टोकन्स हैं जो कार्डानो इकोसिस्टम में आ चुके हैं, जो कि ऑन देयर ओन कैन डू अ लॉट बेटर देन प्रॉब्ली कार्डानो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स टू द इन्वेस्टमेंट। बट यस, उसी के साथ साथ ऑब्वियसली कार्डानो जो है वो भी काफी अच्छा करेगा। कार्डानो को हमने राइज एंड फॉल दोनों देखा है। कार्डानो का वी हैव सीन कार्डानो एट रैंक नंबर 3 ऑल्सो, वी हैव सीन कार्डानो स्लिपिंग फ्रॉम रैंक नंबर 3 टू गोइंग बिलो रैंक नंबर 10 एंड स्लोली एंड स्टेडिली इन दिस डाउन मार्केट कार्डानो ने कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाई है एट दी नंबर 6 पोजीशन। कार्डानो एंड मैटिक की बात हम पहले कर लेंगे, तो पहले मैटिक में चलते हैं कार्डानो के पास। नाउ मैटिक की अगर हम बात करें, करेंटली रैंक्ड एट 21 पोजीशन, इसका जो करंट प्राइस है वो है 46.23 रुपीज, ऑलमोस्ट एज द सेम ऑफ कार्डानो। करेंटली ये डाउन है 4.1%। पॉलीगॉन मैटिक का हमने एक चीज नोट करी थी, जहां पे सारे क्रिप्टो अपने डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहे थे वहां पे पॉलीगॉन मैटिक जो है अपना ऑल टाइम हाई बना रहा था। डिसंबर के टाइम में इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। आप यहां पे देख सकते हो 27th ऑफ डिसंबर वॉज वेन पॉलीगॉन मैटिक टच 219 रुपीज, जो इसका अपना ऑल टाइम हाई था। एंड पॉलीगॉन मैटिक में काफी चीजें हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, स्पेशली आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ लूना, जहां पे लूना जो है वो गिर गया, एकदम जीरो हो गया, ऑलमोस्ट जीरो है लूना आज के टाइम में, एंड लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। उसमें जितने भी डैप्स होंगे, जितने भी टोकन्स होंगे, ऑब्वियसली वो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे होंगे। पॉलीगॉन मैटिक एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, बिकॉज इसमें जो है गैस फीस सबसे ज्यादा कम है, एंड यस इसकी स्पीड में भी अभी तक कोई भी ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है बड़ी सामने कि इसकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। पॉलीगॉन मैटिक इज अ गुड क्रिप्टो, इज अ गुड टोकन, जो आगे जाके काफी अच्छे रिटर्न्स हमें दे सकता है व्हेन द बुल रन कम्स। ये दोनों क्रिप्टोज जो है वो कहीं ना कहीं आते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, अलग अलग कैटेगरी ऑफ द क्रिप्टोज आपके पास होने चाहिए। तो ये तो हमने बात कर दी दो ऐसे क्रिप्टो की जो कि आते हैं इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत ही अच्छी कैटेगरी है अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी। अगर आप देखो यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म इज एट नंबर 2 पोजीशन, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म का आगे फ्यूचर काफी ब्राइट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कभी भी इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगा। यस, देयर हैज बीन अ केस ऑफ लूना, उसकी वजह से लोग डरे हुए हैं टू गेट इन टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टू बाय क्रिप्टोज, टू बाय टोकन्स ऑल्सो। बट यस, वन ऑफ केसेस लूना का हुआ, काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे लूना को लेकर। बट उसी के साथ साथ अगर हम देखें, फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें डेवलप होती है, जो चीज़ें बनती है, वो बहुत ही अमेजिंग है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने अलग से वीडियो भी बनाया था, टेलिंग यू क्या क्या चीज़ें होती हैं इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आप चाहो तो वो वीडियो दे सकते हो, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके बाद अगर हम बात करें XRP की, रिपल जो है काफ़ी टाइम से मार्केट में है। इनफैक्ट जब बिटकॉइन का पंप आया था इनिशियली इन द ईयर 2017, वहाँ पे भी रिपल प्रेजेंट था, एंड काफ़ी लोगों ने ये बोला था कि रिपल कैन बी द नेक्स्ट बिटकॉइन। आप देख सकते हो एक अच्छा खासा पंप आया था इसमें इन द ईयर 2018, बट उसके बाद से अभी तक इसने वो मूवमेंट नहीं करी है जो इससे एक्सपेक्टेड है। कहीं ना कहीं फ्रॉम 2018 टिल 2021 ये ऑलमोस्ट साइडवे मूवमेंट करता रहा। ऑलमोस्ट इसका प्राइस जो था वो अराउंड 20 रुपीज से 30 रुपीज के आसपास ये चलता रहा बहुत टाइम तक, एंड दैट वॉज द प्लेस जहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो परेशान होकर रिपल से निकल गए। काफ़ी लोग जो हैं इन्होंने स्टिल होल्ड करके रख रखा रिपल, एंड कहीं ना कहीं आज की डेट में भी कन्फ्यूजन है कि XRP का आगे जाके क्या होगा। इज इट अ गुड बेट? रिपल हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड बेट। रिपल के ऊपर जो लॉ सूट चल रहा है, जैसे ही उसका कोई फाइनल वर्डिक्ट आ जाता है, रिपल कैन सी अ पंप इन द प्राइस, एंड वो पंप जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। रिपल जो है वो रुका हुआ है नॉट बिकॉज ऑफ द एंटायर मार्केट टर्निंग रेड, रिपल जो है वो रुका हुआ है बिकॉज जो लॉ सूट है वो एक बार खत्म हो जाए तो रिपल जो है अच्छे खासे अमाउंट का रिटर्न आप लोगों को दे सकता है। इनफैक्ट अगर आज की डेट में बुल रन स्टार्ट होता है, मैं ये मान के चलता हूँ कि रिपल जो है वो उतना ज़्यादा जंप नहीं करेगा एज कम्पेयर टू जब रिपल का जो लॉ सूट है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है रिपल में अच्छा खासा पंप आएगा, जो हम सब लोग वेट कर रहे हैं। एक्चुअली रिपल का बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड है रिपल में, बहुत सारे लोगों ने इससे कम प्राइस में भी लिया, बहुत सारे लोगों ने इससे ऊपर प्राइस में भी लिया। हम लोगों ने भी रिपल परचेज कर रखा है बोथ दी प्राइसेस, ऊपर के लेवल में भी परचेज कर रखा है, नीचे के लेवल में भी हमने परचेज कर रखा है रिपल को। रिपल का सब लोग वेट कर रहे हैं, जैसे ही कोई अच्छी न्यूज आती है फ्रॉम दी लॉ सूट, वी कैन एक्सपेक्ट दी प्राइस टू रियली जंप अप। रिपल का जो है, मैं जो टाइम टारगेट लेके चल रहा हूँ वो मैं कोई एक स्पेसिफिक ईयर नहीं लेके चल रहा हूँ, उसका मैं लेके चल रहा हूँ टिल द लॉ सूट एंड्स। अब वो लॉ सूट कब तक खत्म होगा, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर दैट। कहीं ना कहीं रोज अपडेट्स आते रहते हैं, आप लोग भी सर्च कर सकते हो ऑन सोशल मीडिया, ऑन गूगल, कि रिपल के क्या क्या अपडेट्स हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हो।
सो दैट इट गिव्स यू अ हाइपोथेटिकल टाइम कि इस टाइम तक शायद जो है लॉ सूट ऑफ रिपल वो है खत्म हो जाए। द नेक्स्ट क्रिप्टो या जिस कैटेगरी की हम बात करेंगे वो है मेटावर्स। नाउ सैंडबॉक्स एंड डिसेंटरलैंड या माना जिसको हम बोलते हैं, ये दो क्रिप्टो कहीं ना कहीं निकल के सामने आते हैं व्हेन वी स्पीक अबाउट मेटावर्स, व्हेन वी स्पीक अबाउट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वन पर्टिकुलर क्रिप्टो। सैंडबॉक्स एंड माना ने वो चीजें करी थी इन द लास्ट बुल रन जो कि एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं था। काफी लोग ये बोल रहे थे कि यार सैंडबॉक्स हम ले तो ले बट क्या ये पंप करेगा, क्या ये पंप करेगा, एंड वेयर एंड दी अदर क्रिप्टोज आर मेकिंग देयर ऑल टाइम हाई, वो जंप कर रहे थे। सैंडबॉक्स उस टाइम धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडीली अपना साइडवे मूवमेंट कर रहा था। सैंडबॉक्स सडनली जंप हुआ था व्हेन द एंटायर क्रिप्टो मार्केट वॉज एट अ स्टैग्नेंट पॉइंट, जब वो अपने टॉप में थी, वो अपने स्टैग्नेंट पॉइंट में थी, उसके बाद सैंडबॉक्स जंप होना शुरू कर रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम 22nd of October ये उसके बाद से ये पंप होना शुरू हुआ। थोड़ा सा पंप हुआ जब पूरी मार्केट जो है काफी ज्यादा पंप हुई थी, बट उसके बाद जो इसने जंप लिया था एवरीबडी वॉज शॉक्ड, एवरीबडी वॉन्टेड टू सी सैंडबॉक्स गो फर्दर अप। सैंडबॉक्स के बारे में ये भी कहा जाता है क्योंकि ये एक मेटावर्स क्रिप्टो है, क्योंकि माना जो है वो एक मेटावर्स क्रिप्टो है, ये जो है आगे जाके काफी अच्छा रिटर्न्स हम लोगों को दे सकते हैं। इसके अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें 625 रुपीज, ऑलमोस्ट सारे क्रिप्टो ऑलमोस्ट सारे टोकन्स ने अपना ऑल टाइम हाई बनाए थे इन द ईयर 2021, बट इसका जो ऑल टाइम लो था वो था 2 रुपीज 16 पैसा एंड दैट वाज इन द ईयर 2020। तो अराउंड एक साल के बाद इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया एंड सैंडबॉक्स जो है करेंटली इज ट्रेडिंग एट 99 रुपीज, ऑलमोस्ट 100 रुपीज का ये ट्रेड कर रहा है, विच इज नॉट अ बैड बेट इन गेटिंग इन टू सैंडबॉक्स। अगर आप लोगों ने अभी तक परचेज नहीं करा है, दिस इज नॉट अ बैड प्राइस टू गेट इन टू सैंडबॉक्स, बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि एक साथ आप सारा पैसा मत डालिए। अगर आपने 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, जितना भी आपने इन्वेस्ट करना है उसका पार्टीशन कर लीजिए, उसको ब्रेकअप कर लीजिए, उसको 2 महीने 3 महीने में आप परचेज करिए सैंडबॉक्स, दैट वुड बी समवेयर बेटर। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था SIP में हमेशा परचेज करना चाहिए, लमसम में कोई भी क्रिप्टो कोई भी टोकन ना परचेज करो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। सैंडबॉक्स इज वन क्रिप्टो और माना इज वन क्रिप्टो वेर एन आई एम वेरी बुलिश अबाउट। अगर आप प्राइस डिफरेंस की बात करो तो जब जंप आया था सैंडबॉक्स में ज्यादा जंप आया था एज कम्पेयर टू माना, एंड वो परसेंटेज जंप भी ज्यादा था इन सैंडबॉक्स, बट ये मतलब नहीं है कि माना जो है वो बेकार है। माना में काफी ऐसी चीजें हैं जो आज की डेट में बिल्डअप हो रही है। अब क्या पता नेक्स्ट बुल रन में माना जो है वो सैंडबॉक्स को प्रसीड करके माना जो है सैंडबॉक्स से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, ये सारी चीजें होंगी देखने की। इसकी भी अगर हम बात करें, इसका ऑल टाइम हाई था अराउंड 25th of November 2021 435 रुपीज, एंड जब इसका ऑल टाइम लो था वो था अराउंड 59 पैसा। तो ये थी दो क्रिप्टो करेंसी जो कि आ रहे थे इन मेटावर्स क्रिप्टो, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप लोगों को बता दिया जाए इन दोनों के बारे में। नाउ देयर इज वन मोर कैटेगरी ऑफ द क्रिप्टो जिसमें मैं रिसेंटली काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इन परचेजिंग देम, ऑल्दो मैंने उसमें से कोई परचेज नहीं करा है टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बट वो एक ऐसी कैटेगरी ऑफ द क्रिप्टो है, वो एक ऐसी कैटेगरी ऑफ द टोकन है जो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आगे जाके काफी अच्छे रिटर्न दे सकती है। मैंने कोई परचेजेस इसमें से नहीं करे, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो अगर आप लोग सोच रहे हो इसके बारे में परचेज करना तो आप लोग एक बार इसके बारे में पढ़ के और आप इसके बारे में देख सकते हो। एंड दिस कैटेगरी इज बेसिकली सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज टोकन CEX। अब ये क्या होता है, जो सारे एक्सचेंजेस है अवेलेबल इन दी मार्केट उनके खुद के नेटिव टोकन भी होते हैं जो कि काफी यूजफुल होते हैं इफ यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर एक्सचेंज। अगर आप बाइनेंस यूज कर रहे हो, BNB कहीं ना कहीं अगर आपके पास है जो भी लॉन्च पैड में टोकन आता है उसमें आपकी हेल्प होती है। द सेम इज द केस विद ऑलमोस्ट ऑल दी क्रिप्टोज ऑल दी टोकन। ST हुबोई के बारे में हमने काफी बार वीडियो बनाई है, हुबोई ग्लोबल के बारे में, उसमें ST टोकन जो है काफी यूजफुल है। वैसी अगर आप बात करो KCS KuCoin की जो एप्लीकेशन है उसमें काफी यूजफुल है, OKB जो है OKX एक्सचेंज में काफी यूजफुल है। तो ये सारी जो क्रिप्टोज हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं कि उनका एक्सचेंज कैसा कर रहा है, उनके एक्सचेंज में क्या चीजें चल रही है, एंड कहीं ना कहीं एक्सचेंज जो है वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट भी करते हैं इनका रेट्स। अब ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, Binance फॉर example BNB का कभी आप देखोगे रेट नीचे आ रहा है when the market is good। आज के टाइम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब मार्केट अच्छी होती है जब BNB का रेट नीचे आ रहा होता है Binance कोशिश ये करता है कि कोई नया क्रिप्टो वो लॉन्च करे एंड जिसकी वजह से जो लोग हैं वो होल्ड करके रखें BNB टोकन्स एंड उसी के अकॉर्डिंगली एलोकेशन आपको प्रोवाइड होती है। सो कहीं ना कहीं जो है एक्सचेंज मैनिपुलेट कर रहा है इनके प्राइसेस, एक्सचेंज जो है वो चाहता है कि उनके कंट्रोल में रहे सब कुछ, एंड विच इज़ अ गुड थिंग विच इज़ अ बैड थिंग ऑल्सो। ये अब गुड थिंग क्यों है, क्योंकि अगर एक्सचेंज के ऊपर है तो हर एक्सचेंज ये चाहेगा कि वो कहीं ना कहीं और अच्छा करे और बेटर करे। अगर एक्सचेंजेस बेटर होते हैं तो कहीं ना कहीं फॉर यूजर इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट इनटू द एक्सचेंजेस, बट उसी के साथ साथ हमने ये चीज भी देखनी है क्योंकि इनका प्राइस जो है कहीं ना कहीं मैनिपुलेट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा 100% कंप्लीटली मैनिपुलेट होता है, बट कहीं ना कहीं मैनिपुलेट जो होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया Binance,
वो कहीं ना कहीं एक चीज है जो एज अ यूजर मुझे पसंद नहीं है, एज अ क्रिप्टो यूजर मुझे पसंद नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एक्सचेंज, कोई एक पर्टिकुलर आदमी या कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वो हैंडल कर रही है इस पर्टिकुलर क्रिप्टो का प्राइस। ये सारी चीजें आप लोगों ने भी देखी है। बट यस, अगर मैं बात करूं तो इनमें से काफी ऐसे क्रिप्टो हैं, काफी ऐसे टोकन हैं जो अगर आप होल्ड करते हो अपने खुद के एक्सचेंज में, मतलब इनके खुद के एक्सचेंज में, वो काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं, एक्सेप्ट ओनली फॉर गिविंग यू प्रॉफिट ऑन द प्राइस राइज। प्राइस राइज का अलग, जो लॉन्च पैड में क्रिप्टोज आते हैं वो अलग। तो काफी अच्छा ये बेनिफिट आपको मिल सकता है, प्लस इनमें स्टेकिंग के भी काफी अच्छे बेनिफिट मिल जाते हैं हम लोग। अब बात करते हैं प्ले टू अर्न टोकन की। प्ले टू अर्न कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो काफी लोग इंटरेस्टेड थे, काफी लोगों ने बीच में इसके बारे में बात भी करी, बट सडनली ये कैटेगरी जो है वो वैनिश हो गई फ्रॉम द आईज ऑफ द बायर, फ्रॉम द आईज ऑफ द इन्वेस्टर्स। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो काफी यूजफुल है फॉर पीपल हु आर लुकिंग इन टू प्लेइंग गेम्स ऑल्सो इन मेटावर्स या अदरवाइज ऑल्सो। ये जो टोकन्स हैं कहीं ना कहीं ये यूज होते हैं इन गेमिंग, कहीं ना कहीं ये यूज होते हैं इन मेटावर्स, एंड कहीं ना कहीं इनका प्राइस जो है वो अच्छे खासा अप हो सकता है डिपेंडिंग कि उनमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। इनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो, इस कैटेगरी में स्पेशली अगर आप आते हो, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप डेली अपडेट्स इनके बारे में लेते रहो। अगर हम प्ले टू अर्न कैटेगरी की बात करें, यहाँ पे कई ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ऑब्वियसली सैंडबॉक्स एंड माना आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। एक्सी इन्फिनिटी एक और क्रिप्टो है, एक और टोकन है जो कि काफी अच्छा करा था लास्ट टाइम जब बुल रन आया था, एंड इसको काफी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना प्राइस हाई। ये आप देख सकते हो ग्राफ में भी एंड नीचे भी, इसका ऑल टाइम आया था अराउंड 12,233 रुपीज, इसका ऑल टाइम लो था 9.17 रुपीज जो कि था अराउंड 577 डेज पहले, एंड जो इसका ऑल टाइम आया था वो था अराउंड 212 डेज पहले। एक्सी इन्फिनिटी जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रहा है, काफ़ी लोग इससे कोलैबोरेट भी कर रहे हैं काफ़ी अलग अलग क्रिप्टोज, बट यस एक्सी इन्फिनिटी में कहीं ना कहीं हमें एक डाउनफॉल दिखा है इन द मार्केट कैप। ये पूरी कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे हमें डाउनफॉल तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आया है आफ्टर दी प्राइस हाई। अगर हम बात करें एसएलपी की, काफ़ी लोग एसएलपी में इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी लोग एसएलपी से बाहर भी जाते हैं, बट एसएलपी की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, राका की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। राका के बारे में ऑल्दो हमने पहले वीडियो बनाई थी, बट राका की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट ये एक ऐसी कैटेगरी है वेर इन यू विल हैव टू सी एंड चूज विच क्रिप्टो डू यू वॉन्ट टू परचेज, एंड उसके बारे में आपके पास अपडेट्स आती रहनी चाहिए। यूएफओ जो है वो काफ़ी अच्छा करा था लास्ट टाइम, UFO आज के टाइम में काफ़ी नीचे जा चुका है। द कम्प्लीट कैटेगरी ऑफ प्ले टू अर्न टोकन जो है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है, देयर इज नो डिनाइंग दैट फैक्ट। बट यस, अगर इनके हम फ्यूचर की बात करें तो प्ले टू अर्न का कहीं ना कहीं फ्यूचर हमें नजर आता है, एंड ये सारी कैटेगरी जो है वो रन करना स्टार्ट करेगी आफ्टर दी बुल रन अराइजेस। बुल रन का सब लोग वेट कर रहे हैं कि बुल रन कब आएगा, कब हमारा जो पर्टिकुलर क्रिप्टो है वो कब ऊपर जाएगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें उन सब का हम सब लोग वेट कर रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू दी कैटेगरी जो हमें बहुत पसंद है, दैट इज दी मीम टोकन कैटेगरी। मीम टोकन एज अ होल काफी डाउनफॉल हुआ है मीम टोकन में, देयर इज नो डिनाइंग दी फैक्ट, क्योंकि जैसे हम आपको बताते आ रहे हैं कि मीम टोकन में जो इन्वेस्टर है जब वो पैनिक सिचुएशन में आता है, जब वो पैनिक करता है, तो सबसे पहली कैटेगरीज ऑफ क्रिप्टो या सबसे पहली कैटेगरीज ऑफ टोकन वो बेचने की सोचता है। वो सोचता है कि मैं मीम टोकन निकाल दूं, बिकॉज इनका कोई एक्चुअली रियल वर्ल्ड यूटिलाइजेशन नहीं है, एंड कोई इसको क्यों ही परचेज करेगा, ये उसके दिमाग में आता है, वो मीम टोकन से बाहर निकलता है। तो इसलिए आप देखोगे जब भी डाउनफॉल आता है इन क्रिप्टो करेंसी, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव आती है मार्केट में वो आते हैं मीम टोकन। ऑन दी अदर हैंड, जब भी राइज कर रहा होता है, कोई भी बुल रन आता है इन क्रिप्टो करेंसी, सबसे ज्यादा जो राइज करते हैं वो करते हैं मीम टोकन्स। मीम टोकन्स या कम्युनिटी टोकन्स, आज की डेट में इनको मीम टोकन से ज्यादा अगर हम कम्युनिटी टोकन्स बोलें तो वो ज्यादा बेटर रहता है इन सबके लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी यूटिलाइजेशन इन सबकी है। नंबर वन में है डॉज कॉइन। डॉज कॉइन के बारे में हम ये बता सकते हैं कि डॉज कॉइन जो है वो कहीं ना कहीं इज फुल्ली कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन एलन मस्क। एलन मस्क का जब मन करता है वो ट्विटर में ट्वीट करते हैं, थोड़े टाइम के लिए ऊपर जाता है, अगेन डॉज कॉइन जो है वो प्राइस में नीचे आ जाता है। डॉज कॉइन की ऑल्दो यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा निकली है, बट लास्ट बुल रन में हमने देखा था कि एलन मस्क के भरोसे चलता है डॉज कॉइन। ऑन दी नंबर टू इज शिबा। शिबा इनू हमारा भी फेवरेट है, काफ़ी लोगों ने परचेज कर रखा है शिबा इनू। शिबा इनू एक ऐसा क्रिप्टो, एक ऐसा टोकन बन चुका है आज की डेट में, जो सबके पास ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ क्वांटिटी में सब लोग इसको परचेज करके रखे हुए हैं। जब तक शिबा इनू में कम्युनिटी साथ दे रही है, जब तक कम्युनिटी जो है वो एक साथ खड़ी है फॉर शिबा इनू, शिबा इनू का प्राइस हम बढ़ते हुए भी देख सकते हैं।
यस देयर इज अ पैनिक रिगार्डिंग शिबा इनू कि इसका प्राइस बहुत जल्दी नीचे आ रहा है, काफी लोग बोल रहे हैं सर ये तो बहुत ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है, एंड बीच में इसका रियोशी भी जो है वो गायब हो गए थे। रियोशी का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कल की वीडियो में कि एज सच वैसे भी कोई फेस नहीं था, प्लस रियोशी ही वॉन्ट्स की जो ये क्रिप्टो है, जो ये टोकन है, वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो जाए, मैं नहीं रहूं, फिर भी शिबा इनू चलता रहे द वे इट इज गोइंग राइट नाउ। शिबा इनू में पोटेंशियल है टू गेन द मोमेंटम, शिबा इनू में पोटेंशियल है टू गेन द प्राइस अगेन, शिबा इनू में पोटेंशियल है टू बी द डॉज कॉइन किलर। डॉज कॉइन किलर के नाम से शिबा इनू आया था, बीच में हमने एक बार देखा था लास्ट बुल रन में कि कैसे उसने डॉज कॉइन को प्रसीड करके उसके ऊपर पोजीशन अपनी बना ली थी, बट अगेन व्हेन द डाउनफॉल केम शिबा जो है वो ज़्यादा नीचे गिरा था। द नंबर टू इज बेबी डॉज कॉइन। बेबी डॉज कॉइन के बारे में काफ़ी टाइम से हमने वीडियो नहीं बनाई है, बट बेबी डॉज कॉइन का अगर आप हाल देखोगे, मार्केट कैप रैंकिंग 164 पोजीशन में आ गया, 200 से ज़्यादा नीचे चला गया था बेबी डॉज कॉइन, बट इट हैज़ अगेन रीगेन 164th पोजीशन। शिबा एंड बेबी डॉज कॉइन में बर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, बर्न्स की काफ़ी न्यूज़ आपके पास आ रही होगी अगर आपने वो सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रखी जिसके बारे में हमने बताया होगा, क्योंकि अपडेटेड रहना एक चीज़ होती है जिससे आपको पता चलता रहता है कि उस पर्टिकुलर क्रिप्टो उस पर्टिकुलर टोकन में क्या चल रहा है। बेबी डॉज कॉइन शिबा में बर्न्स कंटिन्यूस चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज उससे फ़र्क पड़ेगा इसकी सप्लाई में, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, प्रॉब्ली इसी की वजह से इनका प्राइस इतना कम है। जैसे ही इनके बर्न्स रेट बढ़ते रहेंगे, जैसे इनकी कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन आती रहेगी, इनका प्राइस इंक्रीज होता रहेगा। बेबी डॉज कॉइन का मैं ये बोल सकता हूँ कि एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग इट टू बी लॉन्च इन बाइनेंस, ये कब होगा ओनली द टाइम कैन टेल। बीच में सीजी ने एक न्यूज छोड़ी थी जो हमने आपको बताया था कुछ टाइम पहले, बट कहीं ना कहीं वो बेबी डॉज कॉइन के लिए नहीं थी, क्योंकि अभी तक बेबी डॉज कॉइन अदरवाइज बाइनेंस में लिस्ट हो चुका होगा। बेबी डॉज कॉइन कब तक लिस्ट होगा इन बाइनेंस, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं जो एक्सचेंजेस हैं वो भी देखते हैं कौन सा क्रिप्टो में कितने लोग हैं, कितने होल्डर्स हैं, एंड बेबी डॉज कॉइन में काफी ज्यादा नंबर ऑफ होल्डर्स आज की डेट में भी बैठे हुए हैं। सो गाइस ये थे कुछ क्रिप्टोज, कुछ टोकन जो हमने भी परचेज कर रखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्रिप्टोज हमने परचेज कर रखे हैं, बहुत सारे टोकन हमने परचेज कर रखे हैं, उनके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, बिकॉज ये वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी होगी तो हमने सोचा इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके अलावा भी काफी क्रिप्टोज हैं जो हमने परचेज कर रखे हैं, क्यों परचेज कर रखे हैं, क्या उनकी यूटिलाइजेशन है, उनके बारे में बताएंगे। सो गाइस विद दैट सेड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।